बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका दोस्त सुहेल रियाज चौधरी चमकीला में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। बताते जाएं तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, कि आज मैं एक और नए रिएक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जितने भी लोगों ने पिछले सॉन्ग को पसंद किया, कमेंट्स किए, बहुत अच्छा लगा। और एक यूट्यूबर का ना दिल खिल जाता है। अच्छा, खैर जी, यहाँ पर बताते जाएं कि मेरा भी दिल इसी तरह ही खिल गया और बड़ा अच्छा लगता है व्यूज़ देख के, कमेंट्स पढ़ के। जब लोग आपको जानते ना हों, दोस्त जो आपके जानने वाले हैं, वो आपकी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें तो एक अलग बात होती है। लेकिन जो आप नहीं जानते, जिनको नया सब्सक्राइबर होता है, आपके कंटेंट को देख के आया होता है, उसका सब कुछ देख के, उसके कमेंट्स, उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, उसके जो भी आपके बारे में बताया जाता है, राय रखते हैं वो लोग, सब अच्छा लगता है हमें पढ़ के। और मैं इंशाल्लाह वो भी सिलसिला शामिल करूँगा। तो जी, कोक स्टूडियो 2020 आ चुका है और दिसंबर में वैसे लॉन्च किया उन्होंने। और बताते जाएँ तो आप सुनने वालों को, सॉन्ग्स उसके लॉन्च कर दिए गए हैं। पहला गाना जहाँ से स्टार्टअप लिया है वो है जनाब ये ना टुट्टेया वे, सॉन्ग का टाइटल है। ख़वातीन के हवाले से ये सॉन्ग जो है वो लिखा गया है कि वो लोग जो कि ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करते, स्पेशली मैरिड वुमेन, जब वो अपने ससुराल जाती हैं तो वहाँ पर उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, मोस्टली ऐसा होता है। एक हकीकत है, एक सच है हमारे माशरे का, जिसे मेरे ख्याल में तो मानना ही बेहतर है। माने और इसको ठीक करने में, इसको बेहतर करने में कोई ना कोई अपना किरदार लाजमी अदा करें। तो ये सॉन्ग है जी, इसमें मीशा शफ़ी हैं, सनम मारवी, फरीहा परवेज़, ज़ारा मदनी, वजीहा नकवी और सहर गुल खान इसमें शामिल हैं जी। ये मिलके गाया है, बड़ा ही खूबसूरत दिखने को लग रहा है। सुनते हैं कि ये नंबर जो है वो कैसा है। उम्मीद करेंगे जी आपको भी ये पसंद आएगा। तो जनाब ये लें। सीरियसली, सनम मारवी, टुटे पांडे गली करावा, गली दे विच बैके दिल ते न लावा लोके जो भी कहंदे हस हस के, टुटे पांडे गली करावा, गली दे विच बैके दिल ते न लावा लोके जो भी कहंदे हस हस के, जंजीरे पीस है रुबाब का जी, ढोलक बड़ी अच्छी बजा रहे हैं। दुख सुख सारे वंडण आ गए पिया में तेरे कर, ओ कलम कल्ला रोटी ना खावे मेरे अगे तर, रल मिल के हुन दोआं ने कटना चिंदड़ी दा सफर, तू मेरे सिर दा साईं मैं तेरे शमले दा सोना लड़, तसलीमे मीशा शफी साड़ी में है, बड़ी कलरफुल सी साड़ी है। और थीम बड़ा अजीब है इस बार, कोक स्टूडियो का सारे एक जगह पे इकट्ठे नहीं है, अलग अलग हैं सारे। ठीक है।
लिरिक्स बहुत अच्छे, बहुत गहरे लिखे हुए हैं, प्रॉपर खातून की इज्जत के हवाले से बात की गई है। टूट जाने ने पहाड़, टूट पैंदा आसमान, जदों ओ जदों दिल टूटदा, फट पैंदी ए जमीन, छुट जांदा है जहां, कदों ओ जदों दिल टूटदा, होवे ना दुनिया नु खबर, मेरे दिल दी कब्र विच नप लैण मैं सारे खाब, ते खाबा नु ए जान दी सड़क उत्ते बह के ते अखियां ने वेख लिया रा सारे लोग गवा। जी तो दिल मेरा टूटदा टूटया टूटना, खैर ये जो भी सीखे थे इसमें यही है कि किसी भी खातून की इज्जत भी करें, आप ये ना देखें कि आगे वाला बंदा एक मतलब कि खातून है या बंदा है, अगर अल्लाह ताला ने उसकी इज्जत उसको दे दी है, उसको एक रुतबा, उसका एक मुकाम बना दिया है, तो फिर आप कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले, आप भी उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करें, उतनी इज्जत करें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, कोक स्टूडियो का ये नया थीम कैसा लगा, और आप क्या सोच रहे थे कोक स्टूडियो के बारे में और कैसा आया। आपको ये पता होगा कि रोहेल ने दोबारा से एक जनाब ले लिया है कोक स्टूडियो को, पहले कुछ अर्सा वो 3-4 सीज़न नहीं रहे थे, तो रोहेल आज एक बार फिर से आ चुके हैं जी, तो उनकी झलक हमेशा से कोक स्टूडियो के ऊपर लगती है। तो अब आपने बताना है कि आपको ये कैसा लगा, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कुछ और चाहते हैं तो नीचे वो भी बता सकते हैं, जिस तरह बाकी लोग कमेंट करके बताते हैं कि भाई ये होना चाहिए। और अब दीजिए इजाज़त। हाँ सच, अभी तक आपने क्या सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, भाई कर लें ना, मतलब इसमें कितनी देर लगती है, आपने अपना माउस का कर्सर लेके जाना है, क्लिक करना है, तो बस सब्सक्राइब हो जाएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और कुछ नहीं होगा। खैर जी, अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।